सुयोग मिल जाता है लड़की लड़के का, तो कहते हैं कि सुयोग मिल गया, बिछड़े हुए थे अब मिल गए। योग है कि किससे हम बिछड़ कर जहां ऐसे हो गए हैं उससे फिर मिलते हैं, उसे फिर मिलता है। योग योग में सुख है कि योग में दुख है, जिसको वियोग है पिछड़ा हुआ है उसे चैन आता है। ये कौन है जिसको एक सेकंड चैन दे, वो कौन है? दिमाग के अंदर कौन सी शक्ति है? वो भागती रहती है, सोचती रहती है, संकल्प और विकल्प के ताने बुने बुनती ही रहती है, भटकती ही रहती है। जो ढूंढता है, जिसके लिए कोशिश करता है, वो सब मिल जाता है। पर भटकना और दर्द कम नहीं होता, वियोग का दर्द और भटकना काम नहीं होता। सारी उम्र संसार में आकर सारी उम्र सब कुछ करता है और सब कामयाबियां मिल जाती है, सारे तीर निशाने पर लग जाते हैं, पर जब आया था तो आनंद में था, जाता है तो दुखी और कलेश की पांड लेकर। क्या ढूंढ रही है ये रूह? ये ढूंढ रही है अपने आप को, अपने मालिक को, अपने केंद्र को, जहां से बिछड़ कर इस संसार में आई और उसमें मिलना चाहती है। इसके लिए क्या हुआ? मनुष्य जन्म दिया, कबूत तो कृपा कार ईश दे जीव नर दे, कभी कृपा करके मालिक जीव को मनुष्य शरीर देता है। और ये मनुष्य शरीर पर राम जी कहते हैं ऐसे हैं जैसे किश्ती होती है, सतगुरु ऐसे हैं जैसे मला होता, नाम ऐसे हैं जैसे चप्पू चलता है और किश्ती किनारे पे लग जाती है। ये बताया तो हम सब श्री गुरु महाराज जी की शरण में आए नहीं है, याद रखना। हमको पकड़ लिया उन्होंने, जैसे मछलियां पकड़ लेता ना मछलियों वाला, और मछलियां तड़पती रहती हैं जाल में, जाओ कहां जाओगे? अर्थ क्या तड़पने का? ये हमारा चित्त
गुरु मूर्ति सतगुरु का बख्शा हुआ नाम, गुरु की सेवा, उसके भजन कीर्तन में बैठा बैठा भी की चक्कर लगाता रहता ये हम समझे। एक बार साहब कह रहे थे इसे अफसर के पास जाना होता है, हम उसे समय लेते हैं और जब जाए तो दिल धड़कता है क्या बात करेंगे, कहीं कोई थूकना हो जाए। अफसर दुनिया के मालिक कुल सतगुरुदेव के पास जाने पर अब सोचो हमें को भय लगता है, पर जिन्होंने ये बात बूझी ली कि सतगुरु क्या है, वो कहते हैं सतगुरु के दरबार में थर थर कांपे दे बात को बात में जाता रहे सदिए, जो इसकी वैल्यू जानता है सदिए की प्रेम की वो क्या होता है, वहां जाकर ये बात बनती है कि श्वास श्वास से लोगों में एक श्वास भी खाली नहीं जाता। नाम कौन जपाता है दार जोड़ मास्टर ने काम दिया होमवर्क, और जिस टीचर का डर होता है उस सब्जेक्ट का होमवर्क दूर करके ले जाता है। तो सतगुरु का भय और सतगुरु का प्यार दो ऐसे जंतर हैं जिससे हमारी पढ़ने वाली जो सुरत की वृद्धि गुरु चरणों में गुरु मूर्ति में गुरु नाम में लग जाती है। और फिर हजूर कहते थे कैसे लाके बता लोड़िए नगरी के निवासी भगवान का बाग है, लाके बता लोड़िए मुन्ना को लाहौर। जरूरत महसूस होती है जिन्हें इस बात की हमारी जो भटकने वाली वृद्धि गुरु चरणों में नहीं लगती, सेवा में नहीं लगती, भजन में नहीं लगती, ये कैसे लगे जिन्हें ये चिंता है उनकी गुरुदेव मदद करना हेल्प करता है। क्या उन सिर्फ जिस समय जो ऐसे बनते हैं कि चलो अब रामनवमी आ गई लोगों को बुराइयां करो, उन्होंने हमें सेवा बख्शी, दुनिया के पीछे हम कितना भटकते हैं दिन रात सोचते हैं चिंता में रात सोते हैं, अब थोड़ी चिंता जी भी कर लो। बड़े खुश हुए, बड़े खुश हुए क्या, अरे फ्लैट मिल गया और मैं दुखी हो रहा था, अरे बेले बह गए काम करके अब क्या करेंगे और खाली होंगे, इस बहाने से तो गुरु महाराज ख्याल आता था गुरु चरणों में वृद्धि जुड़ती थी, हरे बाबा रे मंगता है सामने किस तरह जमा के मुंह कैसे दिखाएंगे, इधर दोबारा मांग ना लावे चलो जाते ही अच्छा दिन थोड़ा बहुत तो करेंगे क्या करें, सुन रहे हो जी को चिंतन है गुरु महाराज जी का, जी तो आ ही रहा है तू सेवा कर या ना कर, तेरी ख्याल तेरी वृत्ति पर तो अंकुश लगा ही दिया। क्या हमारा जो भटकने वाला ख्याल किसी बहाने से भी गुरु महाराज के साथ जुड़ा रहे सेवा में जुड़ा रहे तो अच्छी बात है। मुझे एक अपनी बात याद आ गई, धर्मानंद बड़ा पंगेबाज है सबको पता है, पंगे कैसे पता वो अपना ही पंगा। महाराज जी ने कहा कि संगत के लिए ऐसा करो
खर्चा वर्चा होता है, खैर ऐसी कोई बात नहीं, तो थोड़ा सा फिक्र भी हो आश्रम के संचालन का, तो सबकी मासिक सेवा नहीं, सब आश्रम देखेंगे, हमें सभी को इकट्ठा किया, मासिक सेवा लगाओ। तो क्या लगाता था, कोई 8 अंडे, कोई 1 रुपया, कोई 2 रुपये, 5 रुपया कोई मिला ही नहीं, तो सेवा देखी जा रही थी। देखिए एक बंदा कहने लगा क्या सेवा लिखा है, मैं क्या हाँ मासिक सेवा, हर महीने आएंगे सेवा देने के लिए, ना ना मैं हर महीने नहीं आ सकता, तुम साल में मेरी एक बार दे दिया करो, इतनी बहुत ही दूंगा। मैं क्या मेरे तेरे ख्याल मिलते नहीं, मैं तेरी सेवा नहीं दूंगा, मैं क्या मैं भीख मांगता हूं,
घर का काम नहीं है तो कांड पूरी कह जा रही है, वो घर का काम भी पूरा करती है और जो बुराई के लिए समय में खाती है। श्रद्धा और प्रेम और सेवा की मूर्ति माताएं होती हैं, याद रखियो। और हर प्रकार की कुर्बानी देकर परिवार को खुश रखना रखती हैं और सबके दुखों को हरती हैं। पता आपको कोई पता नहीं, चलो कोई बात नहीं। और सबसे पटाई ज्यादा यही खाती है। कोई बात नहीं है, वो तो ताली लंबी हो जाएगी, ताली लंबी हो जाती है। कल मेरे पास एक व्यक्ति भी आई, मैं बात कर दी क्या बात। मुझे मेरा घर वाला रोज रात को शराब पी के पटाई करता है, काम काज कुछ करता नहीं। मैं काम भी करती हूँ, पैसे भी कमा के लाती हूँ, घर का गुजारा भी करती हूँ और मार भी खाती हूँ, मैं क्या। मैंने कहा हे देवी, लोक, देव और संविधान तीनों ने सारी पावर आपको दे रखी है, आप उसको यूज करो। संविधान के पास, बंदों के पास कुछ है तो कहेंगे, तुम्हारी को छोड़ेगा बदिया नहीं। संविधान, लोग छोटी सी है मतलब टेक, बुटी है मतलब टेक, डांटे आते प्रणाम कर। जो लोग कहता है सम्मान तो, जो देवियों को सम्मान देता है उसके घर क्रीपी आई भी सकती। लक्ष्मी खुश रहे, कभी रहेगी किसी चीज की। ये लोग समझे, हाँ। और वेद, वेद ज्ञान, उसमें क्या है। एक बंदा कहने लगा, पापा ये तो तुम्हारे श्रद्धा के व्यक्ति हैं, तो बंदे काटा देने की गण है। तो मैं कह गया दुखी के बाल देवा, देखे तो मांगा तो दुखी है ना, कर तो दुखी बड़ा कर दिया। मैं कहीं को समझाता रहता हूँ तो फल करे थोड़ा, इसलिए ज्यादा आती है। मेरा क्या काम है, तू मानता तो है ही नहीं, आएगा तभी नहीं माननी जो मानती है। और तुम मुझे भी दुखी करते हो, यानी कहा लिख पाए कैसे फला करे भगवान तो। आज क्या करें, 60 वर्ष हो गया समाज में रहते रहते, बड़े अनुसंधान करता रहता हूं, मुझे बात इसलिए कह रहा हूं, हाँ इसलिए कह रहा हूं कि श्रद्धा और प्रेम गुरु महाराज के चरणों में लगाओ और अपने घर में सम्मान किया करो, कन्याओं का, अपने घर वालियों का, मामियों मम्मियों का, दादियों का सदा सम्मान करो। जितना सम्मान करोगे गरीबी रह जाएगी, फिर मुझे पूछ लेना। तो मैं बात कह रहा था बीच में, वो ये कि एक बात किसी ने कहा, मैंने कहा भैया तू कार्यालय आना, झाड़ू मारना जहां पर तेरा काम हो जाएगा। कैसे, तेरे दिमाग में वो फिक्र और चिंता और टेंशन बनी रहती है, वो कैसे बदले, वो बदल जाती है। जब घर से चलेगा चिंता फिक्र होगी, मैं जाना है कि कहता वहां जरूर पोचा मारना है, तो जो टेंशन तेरा दिमाग खा रही है उसे रिलीफ मिलेगा, ये ख्याल आएगा, सेवा का ख्याल आएगा। जब जहां आएगा तो महात्मा लोग तेरे दिमाग को क्या करेंगे, बुला कर देंगे, सत्संग सुनाकर कुछ करके तुझे उस ख्याल से परे उतार देंगे जिसको तू चिंता फिक्र और टेंशन कहता है।
रिलीफ मिलेगा, गुरु माँ की कृपा होगी। इसीलिए सोशल वर्क जन सेवा का काम करने से दिमाग को रेस्ट और आराम मिलता है। दूसरे का दर्द अगर आप महसूस करोगे तो अमृत, अपने दुख से दुखी होगे तो जहर, अपने सुखी से हम सुखी हैं तो भी जहर, दूसरे के सुख से हम सुखी हो रहे हैं तो आपको अमृत मिलता है। ये है मनुष्य के लिए और कुछ नहीं। जुड़े रहो गुरु महाराज के चरणों में, सेवा से जुड़े रहो। जो इस समय जा रहा है, इस समय की मार से बचना है तो घर खाली ना बैठो। जो काम है, ड्यूटी है तो घर रहो। अब ड्यूटी नहीं है तो घर में खाली बैठे तो झगड़ा हो जाएगा, या कोई फिक्र चिंता वाला टापक भी सिर जाएगा, जहां कोई टेंशन बढ़ जाएगी। इसलिए खाली समय जितना होता है मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, आश्रम पर आओ, सेवा करो, सत्संग सुनो, सत्संग की कथा पढ़ो, यहां समय लगाया करो, बस फिर सब ठीक होगा।